अपने पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं, एक्चुअली क्या ना? लोकल प्लेट, इसी में हम अभी खाएंगे पहले कुछ। हे क्या एक्चुअली में, बट पापा का लिए थे 2 किलो और 2 किलो मिलाकर पूरा ये सारे के सारे आंवला के पेड़ है, अमलोखी के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। से एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड कल वो जो मैंने वीडियो डाला था थोड़ा नेपाली वाला, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, प्लस उसमें अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं। बस एक दो थोड़ा सा खराब जो कि आते ही हो, तो आपको पता है कोई आगे कुछ करना चाहता है तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला आता ही है। तो फिलहाल अभी सुबह के 10:11 हो चुके हैं, अभी मैं दुकान से आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था तभी एक फ़ोन आ चुका था यूसुफ का, उसने कहा कि भाई मेरा जो गोप्रो है वो मेरे जीजा जी को दे दो। तो उसने मुझे दिया था गोप्रो, जो कि मैं यूपी जब गया था ना तब उसने मुझे अपना गोप्रो 10 दिया था यूज़ करने के लिए। तो अभी उसका जीजा जी आ रहे लेने के लिए, तो मैं उसको दे दूंगा। एंड पता नहीं उसका जीजा जी कहीं और जा रहा, फिर से मैंने मांगा भाई और एक बार दे देना जब जरूरत नहीं है तो। देखता है कि देगा, वो दे देगा, ऑब्वियसली दे देगा भाई, दोस्त ऐसे होने चाहिए ना। शुरू हो चुका है गाय और बकरी के खाना बनने के लिए और आज इस्तेमाल कर रही है, देखिए ये एक्चुअली है कुछ पौधा वगैरह कुछ तो है पता नहीं, इसका इस्तेमाल करके जलाएंगे, पूरा सूख चुका है एकदम मस्त, तो यही आज इस्तेमाल होगा, आज लकड़ी वगैरह कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या है, आलू जैसा लग रहा है ना पर एक्चुअली ये आलू नहीं है, ये है कीवी। कीवी, और मैं एक बार यूपी गया था ना तो उस वक्त ना मैंने अपने सिस्टर के लिए जब लिया था कीवी, तो एक पीस सोचो कितना रुपये का होगा, सोचो मुझे मिला था एक पीस 25 रुपीज़ का। बट ये जितने देख रहे हो ना, पापा का लिए थे 2 किलो और 2 किलो मिलाकर पूरा 50 रुपया देते थे, 50 रुपीज़ में 2 किलो मिला था और वहाँ पर एक पीस 25 रुपया, कितना महंगा सोचो तो। बट यहाँ पर तो वैसे कोई पूछ ही नहीं रहा, और कल पूरा गाड़ी लेकर आया था भर भर के, और 50 रुपया करके पूरा लोगों ने पूरा भर भर के लिया एकदम मस्त। तो अब्बा ने लिया था 2 किलो, तो अभी यही खा रहे सभी लोग, और मुझे भी इतना पसंद नहीं है फिर भी मैंने खाया, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और ये ना एक्चुअली सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। चलो इसको रखते हैं और पेट का कल व्यवस्था करते हैं कुछ खाने पीने का। A few inches later. अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हूँ और एक मूवी देख रहा था जिसके वजह से ना वीडियो बनाना ही भूल गया था, बस वैसे खा लिया। और अभी और एक चीज़ खा रहा हूँ, ये है कॉर्न। तो सुबह सुबह पापा गए थे नदी के उस पार, वहाँ से जाके तोड़ के लेके आए थे, तोड़ के नहीं मतलब वहाँ पर जान पहचान है हमारे पापा के, तो वहाँ से लेके आए थे एकदम फ्रेश कॉर्न, लोकल कॉर्न। क्या भाई रो, क्या है, कहाँ से लेके आए? गाछ में, देखिए कैसे हुआ है। अच्छा अच्छा हुआ है। तो आज क्या क्या खाए गए हम पता नहीं, पहले ये खाए गए, वो मेरा पॉकेट मारा कौन है, तुम ले लेगा बाद में पॉकेट मारा कौन, और है वहाँ पर। चलो चलो तरेंगे। हाँ तो क्या मैं बोल रहा था, तो वहाँ से लेकर आया था और उसके बाद अम्मी ने फ्राई करके मुझे दिया एकदम कॉर्न, एकदम सॉफ्ट है। ये रहा मेरा घर, और मेरे घर के ठीक सामने आप देखोगे ना जितने भी पेड़ वगैरह देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आंवला के पेड़ है, अमलोखी के पेड़। और यहाँ पर ना बहुत बड़ा बड़ा अमलोखी होता है, मज़ा आता है, पर इस बहुत नहीं दिखाई देगा आपको तो वहाँ पर ना मुझे पूरा दिख रहा बड़ा बड़ा, पर उतना ऊपर तोड़ेगा कौन। पर चढ़ पहले एक समय हुआ करता था जब मैं थोड़ा पतला था ना तो पेड़ के ऊपर चढ़ के उसके बाद तोड़ता भी था, बट अभी ना डर ही लगता है, मतलब गिर जाए तो फिर उसके बाद तो अर्थक्वेक आ जाएगा। यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, बंदर आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप, आरी बाड़ी बोलते हो? हो घर में तो भाई पूरा झोपा में भरती है, तो ऐसे ऐसे बोल के करना है, ए बी सी झड़ 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 करो। ठीक है, तेरे शरीर में दम नहीं है, तुम मॉन्की का नाम पे बदनामी, नीचे नाम हो। हाँ बहुत मजा, आप कितना गिरा उठाओ, उधर कितना गिरा पहले वो उठाओ। ऐसे देखने में ना आपको ये बहुत छोटा सा जगह लग रहा होगा, बट यहाँ पर ना आपको बहुत चीज़ खाने वाले मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, ये है आपका आंवला का, ठीक है, वहाँ पर मेरे घर है तो वहाँ पर बनाना वगैरह, फिर उसके बाद वहाँ पर पपीता भी मिल जाएगा, फिर इधर बोगरी, उसके बाद वहाँ पर एक पेड़ है जो कि आपको दिख रहा होगा, वो हम लोग उसको चालटा टेंगा बोलते हैं, ये भी है, उसका भी पेड़ है, प्लस थोड़ा और आगे जाओगे तो नदी मिलेगा, वहाँ तो मछली वगैरह क्या क्या मिलेगा। और इधर में आप जंगल में देखोगे ना तो आपको ये सब ढेकिया साग जो कि हम लोग खाते हैं, ये वाला सब हम लोग भी खाते हैं ढेकिया साग, ये वाला भी थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक टेढ़ा करके निकलता है, उसको इंग्लिश में फिंड
है फिल्डर है इनके फीडर। इधर में है आम का पेड़ भी देखो, तो ये देखने के लिए आपको ना बस ऐसे खाली खाली लगेंगे, बट एक्चुअली मैंने यहाँ पर बहुत कुछ खाने को मिलता था, और वो भी एक फल का ही पेड़ है, पता नहीं उसका नाम नहीं पता, पर गोल करके बरहल बोलता है, पता नहीं मुझे बस बरहल पता चला बिल्लो, तो वैसे गोल करके होता है वो वाला उसका पेड़ है। तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा ताज़ा है कौन सा पुराना है, तो बस थोड़ा बहुत मैंने कलेक्ट किया जो कि मैं अभी खाते खाते अपने दुकान जाऊँगा। अभी मैं जस्ट पकौड़ी खा कर रहा और यहाँ पर आके देखा तो मैं भी देखते रह गई एक्चुअली है क्या, और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे है क्या एक्चुअली में, ये है पालक, उसमें डाला गया है चावल का, क्या डाला चावल का, चावल का गूरा। तो उसके बाद ये एक्चुअली अभी बनने वाला पकौड़ी, पर ना ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी बन चुका है। अब पता नहीं अभी कैसा पकौड़ी बनेगा, मैं आपको ना जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पकौड़ी ना, तब आपको जगह जाकर दिखाऊंगा। वैसे क्या हो रहा है, यह टीना है, टीना के अंदर पानी है, टीना नहीं जो भी उसके अंदर पानी है, और भाप से ये बन रहा है, मस्त वाला होगा शायद, पता चलेगा बाद में इसका रिजल्ट। पालक के पालक साग का पकौड़ा कुछ ऐसा बना है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, ये देखिए एकदम कच्चू कच्चू जो होता है ना उसके साथ जो पत्ते के बनाते हैं ना, उस टाइम वैसे लग रहा है रिको जैसा, पर इसमें थोड़ा सा बहुत चावल का आपका महसूस हो रहा है। अच्छा वाह वाह लग गया ना। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं चलता टेंगा खाने के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट एप्पल फ्रूट। तो मैं और मेरा साथ ये हीरो, तो ये हम दोनों जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर दाव ले लिया, उसके बाद यहाँ पर नमक मिर्चा ले लिया, और इसके बाद पानी, तो बस ये सब लेके जा रहे हैं उस तरफ। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वैसे ऊपर में है और नीचे में तो है नहीं। अभी वो सोच रहा हूँ कि नीचे होने से तो और भी आसानी होता तोड़ने के लिए, मतलब हाँ तोड़ने के लिए, बट ऊपर साइड में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर वो साइड में ना पूरा है बहुत ज़्यादा, आप देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा अंधेरा, बट उधर देखिए बहुत सारे हैं। तो अब चलो चढ़ते हैं, कोशिश करते हैं भाई, अभी खाना है तो हाँ तुम बच्चा है ना, तेरा ये नहीं है ना, ये नहीं है इसीलिए। चलो ठीक है कोशिश करते हैं चढ़ने का, या कोई नीचे से टूट जाए तो और अच्छा होगा। पेड़ के ऊपर तो चढ़ चुका हूँ, बट अभी समझ नहीं आ रहा कि तोड़ू कैसे, इतना सामने सामने दिख रहा है, बट डर भी लग रहा है भाई वहाँ जाने के लिए, क्योंकि इधर कुछ नहीं है सपोर्ट, और उस तरफ में देखिए पूरे पेड़ में तो हैं बहुत सारे हैं बहुत सारे, बट डर भी लग रहा है। गिर गया, दो ठो गिर गया ना, और एक ठो दो ठो एक ठो दो ठो गिर जाने से ठीक है, चलो तीन ठो गिर गया ना काफ़ी है, आराम से आराम से। हाँ अभी लटके राम हो जाएगा, अभी लटके राम होगा। अभी नाम हो, अभी नाम हो। यहाँ पर तो मैंने एक कलेक्ट कर लिया, और इधर में दो तीन गिरे हुए ताज़ा वाला मैं दिखाता हूँ। एक ये रहा जस्ट अभी टूटा था, पूरा फ्रेश फ्रेश है अप्पेल अप्पेल। ये पत्ता आपको देखने के लिए बहुत शांत और प्यारा लग रहा होगा ना, बट इसका जब ये हाथ और पैर में कभी कहीं पे भी शरीर में लगेगा ना, उसके बाद तो आपका पूरा खुजले। मेरा जस्ट वहाँ पर एक वो था फ्रूट, मैं उसको निकालने के चक्कर में यहाँ पर हाथ डाल दिया, उसके बाद पूरा खुजले होने लग गया। एकदम मस्त से इसको काटेंगे, सबसे पहले काटने के बाद उसका धुलाई करेंगे, धुलाई के लिए हम लोग पानी लेकर आते हैं, बट यहाँ पर हम लोग के पास प्लेट वगैरह कुछ नहीं है, तो अब अपना देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। देसी जुगाड़, लोकल प्लेट लिखाएंगे लोकल। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कच्चू के पत्ते वगैरह, बस यही तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा नहीं काटूंगा बहुत आसान से। हम लोग क्या बोलते हैं, जंगली जंगली गाइस। ये देखो हमारा लोकल हमारा लोकल प्लेट, इसी में हम अभी खाएंगे, पहले इसको धो देंगे, फिर उसके बाद काट काट के इस पर रख के उसके बाद मस्त वाला चटनी बनाएगा। आ जाओ, हाँ मज़ा हो गया। अब पानी एक बार डाल दो, से इसे ऊपर से डालो, पानी डालो, हाँ इधर भी डालो, इधर भी डालो, ऊपर इधर, बस इसमें आप काट के डालते हैं अपना फ्रूट्स वगैरह, इसको साइड में रखो कहीं अच्छा जगह, यहाँ पर बेस्ट रहेगा। अपने पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं एक्चुअली, क्या ना जैसे दाव वगैरह कुछ भी इसे काटना होना तो नीचे कुछ मजबूत चीज होने से तो आराम से कटता, बट कुछ है नहीं, इसी से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, एक्चुअली धोना ही है तो टेंशन क्या थी इसका। पर मैं तो खाया ऊपर काटा नहीं है रे, ये तो सरा हुआ, छी पहला जतरा बर्बाद, तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। और ये जो देख रहो ना अंदर अंदर टेगा के अंदर, ये हेयर पर लगाने से ना हेयर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, पर अभी पहला जतरा हमारा सरा मिला, पता नहीं
और क्या होगा। देख रहे हो ना ये चीज, ये एकदम ठीक आपके अंदर में होता है, सेंटर में। ये चीज़ लगाने से आपका हेयर में हेयर का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपने जितना भी काटा था सब काट के इसमें डाल दिया और मस्त से धो रहे, और यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल प्लेट में रख रहे सब कुछ। और क्या लिखा है, कुछ चला है, और बोगरी, बोगरी भी है। आ, ये तो बंदा सुबह से देख रहा बोगरी बोगरी बोगरी। ये देखो वो वाला दो, अच्छा वाला अच्छा वाला दो, वो वाला पीला वाला दो, पीला वाला दो, वो पीला वाला दो, बड़ा वाला दो, फिर से वो अब लास्ट जाओ, देखते देखते सब चला गया। तो बेचारा सब छीन लिया इसका, ये इसको धोने का, धो देगा ना इसको भी। हाँ ठीक है, धो दो। हाँ चलो धो दो, जल्दी जल्दी करो, बच्चे लोग को काम लगा दिया। हम खुद बोले हम धो दे रहे। के धो धा के पूरा यहाँ पर रख दिया, और कुछ ऐसा हमने चटनी बनाया, पता नहीं क्या बनाया, जो भी है बस खाने के लिए, एंटरटेन के लिए हम लोग ये सब अरेंज किया है, तो कहीं चलेगा, मजा आएगा। तो यहाँ पर बैठने के लिए भी आ चुका है हम लोगों का ट्रेडिशनल सेट। तो पत्ते में बैठेंगे, पत्ते में सब कुछ हो रहा है, तो यही फायदा होता है अरुणाचल में, मतलब जितने भी जंगल एरिया होते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे देखो दूर दूर सिर्फ जंगले देख रहे हैं, तो ऐसे जगह में क्या होता है ना, ये सब नेचर ही बहुत ज़्यादा काम आता है। आराम से बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसा लग रहा है आज बच्चे गैंग के साथ मस्त करके खा रहे हैं, बच्चों गैंग के साथ मस्त से खाना एकदम। कैसा हुआ मजा? ये तो बस खाने में पूरा ध्यान है, खाने में। और थोड़ा नमक डालेगा क्या? नमक डालो, और नमक कम हो जाएगा। पूरा खत्म हो गया, और कैसा लगा? मजा, मुझे भी नहीं लगा एक बार। मैं मिर्चा खाता नहीं ना, फिर भी खाया मेरे से, बहुत मजा है। और इन लोगों को तो पता नहीं झा लगा ना, तुमको झा नहीं लगा? बस अपने को लगा, फिर भी ये देखिए गाइस, इधर इतना मच्छर है, इसको यहाँ ढालने का। और मिर्चा खाता नहीं साला है। चलो भाई आज का कार्यक्रम खत्म है, तो सच में दोस्त खा के बहुत ज्यादा मजा है, बहुत ही ज्यादा मजा है, पर थोड़ा सा मिर्चा ज्यादा खा लेने जिसके वजह से अभी थोड़ी सी वाट लगी हुई है। मेरा तो पक्का निकला भाई सर। और हमने ना टेंगा ढोने के लिए तो हमने पानी लेकर आया था, बट ना खुद का पीने के लिए कुछ लेकर ही नहीं आया था, कितना हम लोग भी क्या सोच के। तो फिर घर पास ही, ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस सामने ही है घर, तो घर पर चलते हैं पानी वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद दुकान चलते हैं। तो सर दोस्तों, तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना है। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और क्या आप ऐसे कभी मस्ती करते हो अपने घर पर तो वो भी जरूर बताएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कौन कैसे रखता है। तो हम तो ज़्यादातर ऐसे ही अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। और इसी के साथ ये ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, जल्द मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।